भारत को नदियों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति नदियों के किनारे ही पली बड़ी है। हम बात कर रहे हैं अभी नर्मदा नदी की, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, जो कि अनूपपुर ज़िले में है। अमरकंटक में कई धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। यहाँ अमरकंटक का एक कुंड दिखाया जा रहा है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी पर कई परियोजनाएं चल रही हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलते हुई जबलपुर के पास पहुंचती है। जबलपुर के पास ही यहाँ पर बरगी बांध बनाया हुआ है, जो कि नर्मदा नदी का पहला बांध है। इसकी सिंचाई क्षमता 4.5 लाख हेक्टेयर है। बिजली 100 मेगावाट उत्पन्न करता है। इसके आगे भेड़ाघाट यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है तथा इसके आगे भोपाल के पास तवा बांध बना हुआ है एवं भोपाल के आगे ओमकारेश्वर परियोजना एवं इंदिरा सागर परियोजना चल रही है। ओमकारेश्वर के आगे बड़वानी जिले से होती हुई यह महेश्वर पहुंचती है। महेश्वर भी नर्मदा नदी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। महेश्वर से होती हुई यह बड़ोदरा के पास पहुंचती है एवं सूरत काफ़ी से दूर रहता है और खंबात की खाड़ी में यह मिल जाती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर इंदिरा सागर परियोजना के बारे में कहा जाता है कि यह देश की सबसे बड़ी ज़्यादा जल संग्रहण क्षमता वाली परियोजना है। यहाँ बिजली उत्पादन 1000 मेगावाट है। तक यह खंडवा जिले में पुनासा नदी के निकट है। इंदिरा सागर परियोजना ओमकारेश्वर परियोजना के बारे में, ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले के मनदाता गांव में है। इसकी सिंचाई क्षमता 1,47,000 का लक्ष्य है, जो कि अभी क्षमता इसकी कम है, हालांकि लक्ष्य इतना रखा गया है। इसकी बिजली उत्पादन 520 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1512 किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर है। इसकी 1070 जो लंबाई है वह सिर्फ मध्य प्रदेश में है, बाकी की गुजरात में है। नर्मदा नदी कहा जाता है, यह नदी धरती से पहले की नदी है, यानी कि इसे हिमालय, वैज्ञानिकों ने इस नदी को हिमालय से पहले की नदी माना है। अर्थात हिमालय का जब निर्माण नहीं हुआ था तब यह नदी यहाँ बहती थी। इसकी कई सहायक नदियाँ तवा है, इसकी कई सहायक नदियाँ जिसमें सबसे बड़ी नदी तवा है। नर्मदा नदी को पूजनीय नदी माना गया है। नर्मदा नदी की पूजा यहाँ पर भेड़ाघाट, अमरकंटक और जबलपुर में देखी जा सकती है तथा ओमकारेश्वर और महेश्वर भी इसके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। यहाँ 4 जगह आप नर्मदा नदी की पूजा देख सकते हैं, महेश्वर, ओमकारेश्वर, भेड़ाघाट, जबलपुर और अमरकंटक। 5 जगह आप यहाँ पूजा देख सकते हैं। नर्मदा नदी अपने आप में विशेष महत्व रखती है मध्य प्रदेश के लिए, खासकर क्योंकि इसका सिंचाई क्षेत्र ही मध्य प्रदेश का 21% सिंचाई क्षेत्र है एवं यह नदी एक हृदय की तरह सीधी रेखा में धड़कने की तरह है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।